जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऐसा भी पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अर्थ और उसके जो लेयर्स है उसके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने लेयर्स में भी कई सारे चीज़ों को देखा था, जैसे एक ट्रिक था कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी जो 11 किलोमीटर पर था, फिर से कोई मुझे मुँह मोहे मोहो मोह होता है जो 100 किलोमीटर जो है ना वहीं पे है, वो एस्थेनोस्फेयर है, लेयर है, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म होता है, उसको मोह कहते हैं। फिर है कोई मुझे रेड, रे से होता है रेपिटी, रेपिटी का मतलब होता है कि जो मैं जो आपके ऊपर मेंटल है और जो आपके मेंटल है और जो आपके कोर है उसके बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, रेपिटी कहलाता है। और जो आपके कोई मुझे रेड गुलाब, गुलाब से होता है क्या, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपके इस लेयर में कहाँ पे, कोर वाले लेयर में है, ठीक है, कोर वाले लेयर में। और एक होता है लेहमन, जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है वो लेहमन है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम लोगों जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे डेंसिटी के बारे में, जहाँ से लगातार क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कि कहाँ का डेंसिटी कितना होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये है अर्थ, ये क्या है अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। और ये क्या है, अर्थ का तीन भाग होते हैं, एक भाग वो, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। हम लोगों ने नाम भी देखा था, ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, ये मेंटल, ये होता है ये क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। अब हमको देखना है कि हम मान लीजिए ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते हैं तो डेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ऊपर से चलते हैं और डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये है जीरो लेयर, क्या है जीरो, ये क्या है आपका, यहाँ तक होता है 100 किलोमीटर, क्या होता है क्रस्ट होता है, 100 किलोमीटर क्या होता है क्रस्ट होता है। याद रखिए हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे डेंसिटी बढ़ते जाता है, डेंसिटी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर क्रस्ट का बात किया जाए, इसका इस क्रस्ट का एवरेज डेंसिटी कितना होता है, याद रखना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होता है क्रस्ट का होता है, ठीक है। अब 100 किलोमीटर से नीचे जाएंगे, यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक जाएंगे, 2900 किलोमीटर जाएंगे तो क्या आ जाता है, आ जाता है मेंटल, क्या आ जाता है मेंटल। अब यहाँ पर 2.7 है तो इसको याद रखना है कि ये होता है 3.7, कितना होता है 3.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है मेंटल को होता है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज यहाँ याद रखना है कि जो 3.7 किलोमीटर है ये कहाँ तक, लगभग 1000 किलोमीटर तक, कहाँ तक 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक याद रखना, 1000 किलोमीटर तक कितना होता है, लगभग 3.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे, मेंटल की ओर बढ़ेंगे, मेंटल की ओर बढ़ेंगे तो लगभग यहाँ पर कितना आ जाता है, लगभग 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, लगभग 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। और नीचे लेंगे हम, चल जाएंगे कोर में, कहाँ चल जाएंगे कोर में, 6371 किलोमीटर तक ये जो कोर है यहाँ चले जाएंगे तो इसका जो सब जो हम लोग बीच का जो होता है वो लगभग हो जाता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ऐसे में जब हम ऊपर में थे तो 2.7 क्रस्ट का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला, यहाँ पे क्या था आपका डेंसिटी था, नीचे गए थोड़ा सा, नीचे गए 100 किलोमीटर से लगभग 1000 किलोमीटर के बीच में, मतलब मेंटल वाला में तो लगभग 3.7 का स्पर्श था, जब हम लोग 2900 पहुंचे तो लगभग 5 था, जब 2900 से 6371 में पहुंचे तो लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाता है हमारा डेंसिटी हो जाता है। अगर पूछा जाए कि इस पूरा पृथ्वी का एवरेज एवरेज डेंसिटी कितना होता है तो याद रखना है 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एवरेज कितना होता है 4.4 या 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे
ऊपर से जब नीचे आते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, अभी चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि ये जो एक चीज और याद रखना है कि हम लोग जब पृथ्वी, जैसे हम लोग ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है ऊपर जाते हैं तो। लेकिन जब नीचे जाते हैं, जब हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाते समय क्या होता है, नीचे जाते समय क्या होता है, नीचे जाते समय क्या होता है कि लगभग हम लोग नीचे जाते समय क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग शायद यहाँ पे 1 मीटर जब नीचे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, 1 मीटर जब नीचे जाते हैं, 1 मीटर जब हम लोग नीचे जाते हैं, एक सेकंड, जब 32 मीटर जब नीचे जाते हैं, 32 मीटर नीचे जाते हैं, 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का आ जाता है टेम्परेचर, बढ़ता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, वो घटता है, टेम्परेचर घटता जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 32 मीटर नीचे जाएंगे, 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना मीटर नीचे, 32 मीटर नीचे जाएंगे, 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी देख लिया, ओके। एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ और क्या याद रखना है कि जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी जो है ऐसे गोल नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, इसका जो पृथ्वी का शेष है उसको कहते हैं जियोड कहते हैं, क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। जियोड का नहीं मतलब कि जैसे इसी पृथ्वी पर ना पर्वत भी है, पहाड़ भी है, तो कहीं पर पर्वत ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदी है, समुद्र है, इस तरीके से शेप में ऊपर नीचे वाला शेप में। तो सबसे पहले किसने कहा था, सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी जो है वो क्या है, वो गोल है। सबसे पहले किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा, सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी क्या है, गोला है, गोल है और स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ है, किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। सेकेंड चीज, सबसे पहले किसने कहा कि ये सेव के समान, किसका समान है, सॉरी ये संतरा का समान है, किसका समान है, ये सॉरी ये सबसे पहले, फिर ये दो हजार पाइथागोरस हो गया, पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। और फिर दूसरा, फिर न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा ये जो है ना से न्यूटन, ना से नारंगी, नारंगिया करता है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट है जेम्स, क्या नाम था उनका, जेम्स जीन आया, इसने कहा कि जो हमारा पृथ्वी है वो कैसा है, पियर मतलब नाशपाती है, उसके समान है, ठीक है। यानी ये जो पृथ्वी है ये गोल है, सबसे पहले किसने कहा, पाइथागोरस ने कहा। फिर पृथ्वी जो है वो नारंगी समान का है, वो किसने कहा, ना से नारंगी, ना से न्यूटन ने कहा। फिर पृथ्वी जो है वो नाशपाति के समान है, जेम्स जीन ने कहा, किसने कहा, जेम्स जीन ने कहा। ये चीज हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में आज पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसलिए और देखना है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो अभी तक का सबसे गहरा जो डीप किया गया है वो माना अभी है, एक है मेरियाना ट्रेंच है जो लगभग, जो कहाँ है, जो पैसिफिक ओशियन में, कहाँ पर, प्रशांत महासागर में है। और इसका जो
दीप है वो कितना है, लगभग 11 किलोमीटर का दीप है, लगभग 11 किलोमीटर का दीप है। इसको कहा जाए फीट में तो लगभग 36,000 फीट, कितना 36,000 फीट क्या है डीप है। लेकिन लेकिन एक है कोला, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोला, कोला जो माइन है वो कहाँ है, रसिया में, कहाँ है रसिया में जो है वो क्या है कोला, एक जगह है कोला, कोला वहां पर कोला डीप, वहां पर कोला डीपर किया गया, कोला माइनिंग वहां पे किया गया कोला वाला जगह पे, उसका जो है लगभग 40,000 फीट है, 40,000 फीट है, लगभग 40,000 फीट है, अभी 13 से 14 किलोमीटर तक है यहाँ पे। और सोचिए ये अभी इसका त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। अभी हम लोग मात्र इतना भी नहीं पहुंच पाए हैं, इतना भी नहीं पहुंच पाए हैं समझे। अब इतना डीप करना जरूर, इतना डीप करना ही बाकी है ठीक है। यानी 40,000 फीट अभी हम लोग नीचे अभी तक जा पाए हैं माइनिंग करते 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 ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा पृथ्वी के बारे में देखा ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर जो था, थर्ड चैप्टर जो था एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 11 का जो इंटीरियर ऑफ अर्थ था, उसमें हम लोगों ने जो मेन मेन टॉपिक था उसको डिस्कस कर लिया। अब एक टॉपिक बचा है अर्थक्वेक्स जो भूकंप, और एक होता है वोल्केनो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे अर्थक्वेक और वोल्केनो अलग अलग टॉपिक पर हम लोग बना देंगे ठीक है, और डिटेल से बनाएंगे। ये नहीं कि जो एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है थोड़ा सा वो नहीं, चाहे लूसेंट दिया हुआ नहीं, हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक्स के बारे में, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। सो ठीक है, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी, इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। सो ठीक है, थैंक यू।